तो भाई लोगों, मैं अभी आपके सामने वीडियो नंबर 2 लेकर खड़ा हूँ। मैंने अभी इसके पहले एक इंट्रोडक्शन भी दिया था वीडियो, उसके बाद नंबर वीडियो 1 भी बनाया था मैंने। और ये वीडियो 1 और 2 जो मैं बना रहा हूँ, हार्डविक के संदर्भ में बना रहा हूँ। वॉल्यूम 2 की मैंने एक बुकलेट उठाई थी और उसका लेसन 7, जिसमें कुल मिला के 20 शब्द हैं। और 20 शब्द के लिए मैंने एक पाँच पाँच शब्द के लिए मैंने एक पहले वीडियो 1 बना दिया है। मेरा ये वीडियो नंबर 2 है। और वीडियो नंबर 2 में ये जो अगले 5 शब्द हैं, 6, 7, 8, 9, 10, इसको जरा सा देख लेते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसका मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसका साइनो खोजने का प्रयास कर रहे हैं और इसका एंटो खोजने का प्रयास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शब्द एक्चुअली बताते क्या है। अब ब्लेमिश, एक तो ऐसे करके एक याद रखने, ब्लेम ब्लेम करना मतलब होता है दोषी करना, ठीक है, दोष दोष ठहराना किसी के ऊपर, ब्लेम करना। तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके अगर देखोगे तो ब्लेमिश एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। ब्लेमिश का मतलब दाग या धूमिल, ब्लेमिश, चेहरे पर दाग लग गया होगा, टेंट, स्टेन, समझ रहे हैं, धब्बे लग जाते हैं, स्टेन। और इसी से एक याद पड़ गया, स्टेनलेस स्टील, आप यही से सुने होंगे, एक ऐसा स्टील जिसमें धब्बा ना लगे, जिसमें दाग ना लगे, वही है स्टेनलेस स्टील। तो बहुत सुनते हैं आप लोग स्टेन स्टेन, तो आप ये देख लीजिएगा। स्टेन से एक और याद पड़ गया, तो आप स्ट्रेन भी लिख लो। स्ट्रेन का मतलब, आप अभी जब पढ़ाई करते हो तो स्ट्रेन लेके ना पढ़ो, स्ट्रेस लेके ना पढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा या आप विचलित हो, परेशान हो, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और स्टेन, तो स्टेन और स्ट्रेस अलग अलग वर्ड है। तो ब्लेमिश एक वर्ड जो आपके सामने आया, ब्लेमिश का मतलब हो गया दाग, धब्बा, स्टेन, डेंट, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो आप इसमें लिख सकते हो डर्ट, स्टेन, टेंट, इसका मतलब दाग धब्बा ये हो गया, ठीक है। और अगर ये मैंने कहीं ना कहीं धूमिल है, कहीं ना कहीं दाग है, इसमें क्या नहीं है फिर, इसमें परफेक्शन नहीं है, तो ये एंटोनिम के रूप में आप लिख सकते हो, जिसमें धब्बा नहीं है, जो कि टोटली का टोटली जो है अनटेंटेड है, जिसमें किसी तरह का वो नहीं है। तो ब्लेमिश पर्सनालिटी भी कहीं कहीं आप देख लेते हो, ब्लेमिश पर्सनालिटी। ब्लेमिश पर्सनालिटी का मतलब क्या हो गया, PRSN, एक ऐसी छवि जो धूमिल है, जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है। सभी नेताओं के आए न दिन कुछ न कुछ उनके ऊपर धोखाधड़ी का, तो फिर किसी न किसी तरह का क्राइम का, भ्रष्टाचार का मामला आता रहता है। तो किन्हीं भी नेताओं की छवि वो नहीं है, अनटेंटेड नहीं है, सभी की सभी ब्लेमिश हैं। मैं तो नहीं समझता कि संसद में कोई बैठा हुआ हो और वो, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मछली जल में रहे और कहे कि मैं प्यासी हूँ, वो संभव नहीं, जिसके पास पैसा होगा वह करप्ट हो ही जाएगा। तो ब्लेमिश का मतलब हो गया दाग, धूमिल, ठीक है। तो एक वर्ड आपके सामने आया, दाग, धूमिल, और ये अगर इसका विपरीत विपरीत खोजना हो तो इसका मतलब हो गया अनटेंटेड, स्टेनलेस, ठीक है। अब एक नया वर्ड लेके आते हैं, फ्राइबोलस, फ्राइवोलस, फ्राइवोलस, इसको आप थोड़ा सा बचकाना बोल सकते हो, बचकाना मतलब सिली, चाइल्डिश, ठीक है। माने कि एक ऐसा ना, जिसको कह सकते हैं बेतुका, ठीक है, इरेशनल, मतलब कहीं भी दिमाग लगा नहीं रहे हैं, कोई भी बेहुदा हरकत टाइप कर रहे हैं। फ्राइवोलस एक्शन हो सकता है, फ्राइवोलस एक्टिविटी हो सकता है, एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा एक्शन जो फ्राइवोलस हो, जो बचकाना हो, जो रिडिक्यूलस हो,
एब्सर्ड हो, ठीक है, एब्सर्ड हो, रिडिक्यूलस हो, बचकाना हो, यहां पर थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, थोड़ी भी समझ नहीं लगाई हो, उसको आप फ्राइबोलस बोलते हो। अब अगर फ्राइबोलस का जो है अगर हम लोग इसका उल्टा करें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही हो समझ में आएगा कि वो रेशनल नहीं है भैया, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, फ्राइबोलस का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, ये इसका मतलब हो गया रैशनल है ये, लॉजिकल है ये, ऊपर में हम इलॉजिकल भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है फिर फ्राइबोलस के लिए, मतलब इरेशनल, इलॉजिकल, चाइल्डिश, सिली, रिडिकुलस, एब्सर्ड। उल्टा करोगे तो रैशनल है, लॉजिकल है। तो अभी हम लोग फ्राइबोलस को देख चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे आठवां वर्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी आपने सुना होगा, गैलेक्सी ब्रह्मांड, कोई फिल्म आई थी कोई मिल गया, तो गैलेक्सी का मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है। तो कभी कभी मोबाइल के दुकान में भी नाम लिखा रहता है सैमसंग मोबाइल फोन गैलेक्सी गैलेक्सी, तो गैलेक्सी का मतलब होता ही है भंडार, बहुत ही विशाल का है, बहुत ही विशाल का। क्लस्टर, एसोसिएशन, कलेक्शन। तो बहुत बड़े क्लस्टर को, गैदरिंग को आप गैलेक्सी बोल सकते हो। और गैलेक्सी का अगर उल्टा किया जाए तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा गैलेक्सी है तो इतना छोटा क्या हो सकता है, छोटा क्या हो सकता है, तो इसको लिख सकते हो मीगर, मीगर मतलब बहुत छोटा, मीगर हो सकता है आपका, शॉर्ट हो सकता है, या LACKING लकी मतलब कमी, ठीक है। तो आप उल्टा सीधा दोनों देख रहे हो। मैं फिर से ये तीन आगे वाले वर्ड्स को फिर से कर देता हूं। ब्लेमिश मतलब दाग, इसका मतलब बचकाना, गैलेक्सी का मतलब कलेक्शन, ठीक है ना, ऐसे याद करके। ब्लेमिश दाग है, बेदाग छवि किसकी होगी, अभी तक तो कोई मिला नहीं नेता। चलिए फ्राइवोलस बचकाना, गैलेक्सी कलेक्शन। अब एक नाइन्थ वर्ड आप देखो, इम्प्रोवाइज आ रहा है, इम्प्रोवाइज। देखो इम्प्रूव अगर ऐसे लिखोगे ना तो इम्प्रूव का मतलब होता क्या है, सुधार लाना, ठीक है, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, सुधार लाना, कुछ नया लाना, नया करना। तो इम्प्रोवाइज उसी से अगर बना है, इम्प्रोवाइज इम्प्रूव से इम्प्रोवाइज बना है, इसका मतलब टू नया करना, टू रेन्यू, टू मॉडिफाई। तो भाई ये आप क्या कर रहे हो, नया कर रहे हो। क्रिकेट में एक बड़ा ये बार बार आता है इम्प्रोवाइज शॉट, आप लोग बहुत सुने होंगे, रवि शास्त्री का कभी कमेंट्री सुनिए तो वो बोलता है इम्प्रोवाइज शॉट, एक बिल्कुल एक नया एक तरीका इजाद किया गया, डिवाइज्ड अ न्यू शॉट। देखिए कुछ होते हैं कन्वेंशनल चीज होते हैं, जैसे क्रिकेट में लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, ये सब चीज होते हैं जहां पर सभी लगा दिए जाते हैं फील्डर, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे शॉट्स खिलाड़ी लोग खेल देते हैं जो कि उसके लिए फील्डर लगाया ही नहीं जा सकता है, तो बोलते हैं भाई साहब ये कैसा शॉट खेल दिया भाई मेरे। तो ये इम्प्रोवाइज्ड शॉट था, समथिंग न्यू, समथिंग डिवाइज्ड, समथिंग मेड विच वॉज यूनिक, जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक था। तो इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब नया करना, बिल्कुल हटके करना, तो जो इसका एंटोनिम क्या होगा नया करना, तो इसका मतलब जो है वो पुराना ही है, फिर ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, परंपरागत है, यही ना, जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, कन्वेंशनल है, ये इसका एंटोनिम हो गया। तो एंटोनिम क्या हो गया, इसका मतलब नया, तो उल्टा क्या होगा, ट्रेडिशनल,
ठीक है। अब एक आखिरी वर्ड देख लो, ये जो दसवां वर्ड है, दसवां वर्ड क्या है? लग्जरियंट, LUXURY। पहले तो लग्जरी को समझो, लग्जरी होता क्या है? लग्जरी होता है बड़ा ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। सबसे पहले तो लग्जरी होता है, लग्जरी का मतलब होता है ऐश्वर्य। लक्स साबुन यहीं से उठा के लेके आ गए, लक्स, लग्जरी, लग्जरियस कार। देखिए वो तो नैनो कार हो गई, छोटी गाड़ी, उसको आप लग्जरियस कार नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटी है। लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी है, लिमजिन है, और बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम मैं उतना जानता भी नहीं। तो लग्जरियस कार जो होती हैं, जो बड़ी होती है, एवर ग्रोइंग, जो फैलने वाला, ठीक है, अबंडेंट। तो जनरली इस्तेमाल किया जाता है लग्जरियंट, 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 जो कि बहुत फैलता है, जो बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, उसको लग्जरियंट बोलते हैं। तो जो इसका एंटोनिम अगर करना हो तो क्या होगा? इसका मतलब बड़ा या फैलने वाला, जो भी मैंने लिखा है। उल्टा क्या होगा लग्जरियंट का? उल्टा क्या होगा बताइए? लग्जरियंट देखिए, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, शॉर्ट को ही आप बोल सकते हो, ये छोटा है। तो कुल मिला के ये देखो, मैंने अभी वीडियो नंबर 2 बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने अगले 5 शब्दों का जिक्र किया है। इनके वर्ड्स को आपको याद करने का तरीका तो बस यही है कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेट करो याद रखने के लिए। और द मोर यू वर्क अपॉन इट, द मोर यू विल लर्न। मैं भी अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, और प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकूँ और आप लोगों को मैं सिखा सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।